आपने मुझसे सवाल किया कि हम वो रिवायती छोटी छोटी खुशियां बांटें, चाहे वो फरेबी हो। मैं ना जाने जितनी कोशिश करूं मुझसे समाव नहीं होता, या मैं ज्यादा कुछ होता जा रहा है मुझे। मैं घर से निकला यहां आने के लिए, रास्ते में देखा एक कचरे का डब्बा, उसके बराबर एक कचरे का ढेर, उस पर कब्बे उड़ रहे हैं जा रहे हैं, रूह में अजीब तकलीफ होती है देख के। और फिर मैं सोचता हूं कि या इलाही किस किस्म का मजाक मैं अपने साथ कर रहा हूं। आपकी मेरी मुलाकात ये आज पहली हुई है, अब से 5 मिनट पहले, लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया तो आपका एक इंटरव्यू था, ना जाने क्या था। मैंने उस वक्त देख के सोचा कि यार ये जो खातून है ये मीडिया से हटके बड़ी दो चार बातें कर रही है, बड़ी पढ़े लिखे अंदाज में, और वो आपके काम में भी दिखता रहा, एक आपकी पर्सनैलिटी में मतवातर दिखता रहा कि सिर्फ एक वो काम नहीं है, उसके पीछे एक सोच है, एक सेंसिटिविटी है। तो शकील भाई ने सवाल किया कि हम मसनूई बातें करें या वो करें। यूर प्रोड्यूसर, यूर डायरेक्टर, आप टॉक शोज क्या सब काम किया आपने। हमने ये मीडियम आज भी हम बैठ के 40 मिनट यहां बैठ के गपशप मार के हंस बोल के हमने कैसे मीडिया है, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि हमने इस मीडिया जो इतना पावरफुल टूल है, हमने उसको असली खुशियां बांटने में क्या इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक हम सब जो है, हमें like you know we have this platform as artists or as hosts, and unfortunately we don't utilize it, or basically because mere khayal se as actors or as TV personalities, we should whatever little time we have on screen, we should actually use it to say something positive. So koshish yahi hoti hai ki I think ke अगर आपके पास एक टाइम मिला हुआ है, डोंट वेस्ट इट एंड से समथिंग पॉजिटिव। सो बट अनफॉर्चुनेटली जो हालात इस वक्त हैं, इट्स लाइक बेसिकली एवरीवन इज जस्ट फिलिंग टाइम एंड सेइंग नथिंग। बट कैन फिल टाइम एंड येट से समथिंग। एग्जैक्टली, या इवन इफ इट्स प्योर एंटरटेनमेंट, यू कैन यूज दैट एंड से समथिंग पॉजिटिव। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप पूरी कौम की सोच बदल सकते, मगर आपके अगर किसी चीज से किसी का एक का भी बिहेवियर बदल जाए, योर वर्क इज गोल्स अचीव्ड। एग्जैक्टली, जो बात अभी एंजिनियर ने भी की है, जो मेरे भी करीब है कि हमने जो करना है वो तो हम सो करते रहे, उसमें मसला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल सही से करें तो वो बहुत कुछ हो सकता है। बहरोज भाई ने बहुत सारे प्लेस किए, लेकिन कुछ इनके ऐसे किरदार हैं जो दिल पे अटक गए, और जाती तौर पर भी मेरी इनका एक रिश्ता है। तो जब मेरी शुरू शुरू में इनसे मुलाकात हुई, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इनके मजाक में भी, हंसने बोलने में भी, हर जुमले में एक आपके नसीहत मैंने पाई। वो काम जब हम असली जिंदगी में करते हैं, और कदरे मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन कदरे खुल के हमने इस ताकत को इस्तेमाल नहीं किया खुशियां फैलाने के लिए। फ्रिवलस खुशियां तो फैलाते हैं, हंस लिए बोल लिए चले गए, लेकिन रूह में हमने खुशी नहीं डाली। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी है तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह, और सेलिब्रेट भी करनी है क्योंकि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को कायम और दायम रखे, आमीन, अपनी हिफाजत में रखे। फैसल, सबसे पहले तो हम अपने दिल अगर कुशादा कर लें तो सारे मसले हल हो जाते हैं। अभी जो पिछला वीक गुजरा है वो बहुत तकलीफ दे था, सबके लिए था, इवन वो भी बहुत तकलीफ दे था जो इंडिया में इंसानियत के नाते, बिल्कुल, दैट वाज वेरी बैड। लेकिन सिर्फ मैं ये सोचता हूं, और मैं हम एक अजीब और गरीब टर्मोइल से गुजर रहे, पिछले 3-4 दिन में ये सोचा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि कहीं जंग ना हो जाए। हम सब ये सोचते रहे, और अगर जंग होगी तो फिर वो न्यूक्लियर होगी, ठीक है, नहीं ऐसे ही होगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा, तो क्या होगा। फिर मैंने एक एंड पे सोचा कि जैसे इंडिया के मीडिया ने जो इल्जाम लगाए, जो कि अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं, तो ऑनगोइंग ड्रामा है, तो एक ड्रामा है वो चल रहा है, तो एक नहज पे आके वो इतना पीक पे पहुंच जाए और फिर वो बस्ट हो जाए, तो मैंने सोचा ठीक है, जब भय अगर लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, यही सोच रहा था मैं,
क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है. लेकिन दिल की गहराइयों से और अकल थोड़ी बहुत जो अगर हम सबके पास, तकरीबन बहुत सौ के पास तो बहुत है, मेरी कम, तो क्यों ना हम दिलों को कुशादा कर लें घर में रहते हुए या बाहर रहते हुए. जो आप अभी बात कर रहे थे कि हम घर में तो खुशियां मना लेते हैं, बिल्कुल बाहर खुशियां हम नहीं बांटते, तो क्यों नहीं बांटते, बांटनी चाहिए. मेरे ख्याल से हमारा मजहब भी ये कहता है और इंसानी एक हवाले से भी ये हम सबकी ड्यूटी है. तो कोई ये कराची के हवाले से बात हो रही है क्योंकि कराची में हंगामे हुए थे. देखो कराची में तो, मैं तो कराची में पैदा हुआ हूं, मैं तो पला बड़ा हूं, सब कुछ यहीं किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ. जॉब हो रहा है और चंद मकामात पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं है. मेरे पास बहुत से लोग हैं जो सिंध से भी ताल्लुक है, पठान से भी ताल्लुक, पख्तूनिस्तान से भी ताल्लुक है, यानी हर जगह से है भाई, कोई भी बाखुदा 1% भी वो नहीं है. तो ये कोई ऐसा काम हो रहा है उसके लिए सिर्फ हम और हम इंडिविजुअली, यानी अपने अपने तई दिल कुशादा कर लें, तो ये हो ही नहीं सकता, वो नाकाम हो जाएंगे. तो ये बात जैसे वैरस कह रहे हैं, वैसा मैं भी कराची में पला बढ़ा हूं. मैं बचपन में जब स्कूल जाया करता था तो बस का किराया 2 आने था और हम ट्रेन में सफर करते थे, और ये वो शहर था जिसमें रोज ये शहर धुला करता था. बिल्कुल ठीक है. और इसमें हर किस्म के, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन जो लफ्ज है वो यहां पर 100% अप्लाई होता था. हिंदू, पारसी, ईसाई, पाकिस्तान के हर खत्ते के लोग रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, इतनी अफरा तफरी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. ये यकायक जो चीजें हुई हैं ये ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये बाकायदा, मतलब बुरा लग रहा है ईद के दिन ये बैठे बातें करते हैं, मगर ये खास प्लान के तहत की गई हैं. एक बात, नंबर दो ये बात यह कि चलो जी हो भी गई है, मगर अभी आप जो बात कर रहे थे कि ईद के दिन हम अपने घर में, और ईद बकरीद है जिसमें जो गन बड़ा हम देखते हैं, जो करते हैं, तो हम ईमान जब बात करते हैं, और ये जो हमारा त्यौहार जो है जिसका खालिस मजहब से ताल्लुक है, और ईसार कुर्बानी की बात करते हैं, तो ईसार कुर्बानी के जैसे अभी बैरोज ने कहा, तो ईसार कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर को जिबा करना नहीं है. ये जो जज्बा है इसमें वो ईसार कुर्बानी कहां है, सिर्फ छुरी फेरने से जानवर की कुर्बानी नहीं है, अल्लाह ताला को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. एक बात. दूसरी बात यह कि आप वो, आपका ईमान ही अगर मजबूत नहीं है आप में, और ईमान के लिए बहुत जरूरी है सफाई, क्योंकि निस्फ ईमान है, सुभान अल्लाह. तो अगर वो ही गायब है तो ईमान तो मुकम्मल ही ना हो, तो कुर्बानी भी मुकम्मल नहीं. अच्छा ये तो हम किस बात की, क्या भाई साहब, बहुत अच्छी बात है.